हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आरती माथेरान व्लॉग। आई लव माथेरान। अभी हम सब जा रहे हैं माथेरान, तो ये वीडियो फुल देखना। तो पहले हम जाएंगे दादर, फिर दादर से हमें नेरल की ट्रेन मिलेगी। तो अभी हम नेरल आ गए हैं। तो नेरल स्टेशन से ही आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी माथेरान के लिए। 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो नेरल से माथेरान जाने के रास्ते में बहुत सारे घाट आएंगे, तो आप लोग नेरल से टॉय ट्रेन में भी जा सकते हो माथेरान। टॉय ट्रेन का टाइमिंग होता है और टिकट जल्दी बुक हो जाती है। तो नेरल से माथेरान जाने में आधा घंटा लगेगा। तो नेरल से जो आप शेयरिंग टैक्सी लोगे ना, वो आपको अमन लॉज तक ड्रॉप करेंगी। अमन लॉज से आपको पैदल माथेरान जाना है। तो ये है अमन लॉज। यहाँ से हमें माथेरान की एंट्री टिकट लेनी है, पर पर्सन 50 रुपीज। अमन लॉज से माथेरान तो आप लोग वॉकिंग भी जा सकते हो या वहाँ पे घोड़े से भी जा सकते हो। और यहाँ पे अभी ई ऑटो स्टार्ट हुआ है, तो ई रिक्शा का प्राइस है 35 रुपीज पर पर्सन। और ये है टॉय ट्रेन का टाइमिंग। ये है ई ऑटो का टाइमिंग, इलेक्ट्रिक ऑटो। तो हम लोग अमन लॉज से माथेरान पैदल ही चले गए। तो यहाँ पे घोड़े वाले चार्ज लेते हैं 300 रुपीज पर पर्सन अमन लॉज से माथेरान जाने के लिए। तो एक घंटे के बाद फाइनली हम लोग माथेरान पहुँच गए। तो खाने का सामान और पानी की बोतल बैग के अंदर ही रखे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंकी है। तो ये है हमारी होटल रिलैक्स इन। तो चलो आपको रूम टूर करवाती हूँ। तो हमारी होटल के बाजू में ही माथेरान रेलवे स्टेशन है और बाजू में ही ऑटो स्टैंड भी है। तो अभी मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। हमारी होटल का नाम है रिलैक्स इन। तो चलो। तो हमने एक रूम बुक की है, एक रूम में हम लोग 4 जन है। रूम काफी नीट एंड क्लीन है। तो रूम का रेट है 1200 रुपीज 4 जन के लिए। तो आप लोग ग्रुप में आते हो या फ्रेंड्स हो, तो आप लोग का यहाँ पे बजट स्टे हो जाएगा। तो पर पर्सन 300 रुपीज आएगा। और यहाँ पे है विंडो। तो रूम काफी बड़ा है और यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। तो रूम में टीवी और एसी नहीं है। तो हम लोग 11 बजे यहाँ पे आ गए थे, फिर हमने आराम किया। अभी बजे है 1, अभी हम जाने वाले हैं लंच करने और फिर साइट सीन करेंगे। 3-4 प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे। एक है लेक, शिव मंदिर है, इको पॉइंट, मंकी पॉइंट। तो चलो आपको ले चलती हूँ।
आई लव माथेरान। हमारा लंच आ गया है, पनीर की सब्जी और रोटी। तो लंच करके अभी हम साइट सीइंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वो रास्ते में बहुत सारी होटल है और कॉटेजेस भी है। माथेरान में आप घोड़े से भी पॉइंट कवर कर सकते हो। तो घोड़े वाले चार्ज लेते हैं 500 रुपीस, 6 पॉइंट कवर करेंगे। पर हम लोग ने घोड़े नहीं लिए, हम लोग पैदल ही कवर करेंगे और पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम सब पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। इको पॉइंट है, लेक है, मंदिर है। चलो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सिलिया पॉइंट। तो अभी हम जा रहे हैं सालोट लेक पे। ये माथेरान का फेमस लेक है। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, लेक। ये है लेक का ब्यूटीफुल व्यू। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ये पिसरनाथ मंदिर। तो ये मंदिर शिव भगवान का है और ये मंदिर लेक के बाजू में ही है। भी फोर्थ पॉइंट है हमारा ये लॉट पॉइंट। वाओ। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इको पॉइंट। अभी हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट देखने के लिए। ये है 6 पॉइंट, सुसाइड पॉइंट। तो 6 पॉइंट कवर करके अभी हम गोला पार्टी करेंगे। अभी 7 पॉइंट है हमारा ये छत्रपति शिवाजी उद्यान। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
ये है हमारा 8th पॉइंट, ये है माधव जी पॉइंट। नाइन्थ लोकेशन है जैन देरासर। टेंथ लोकेशन है राम मंदिर। ये हमारा 11th लोकेशन माथेरान मार्केट। यहाँ पे गेम जोन भी है। तो हम सब ने माथेरान फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो माथेरान अच्छी प्लेस है, तो आप लोग भी आइए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। माथेरान में है ना अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अभी इतना ठंडा हो गया है ना। अभी बजे है रात के 8, अभी हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं था कि ठंडी होगी, तो क्लाइमेट अच्छा है। तो आप लोग भी आइए अपने फैमिली के साथ और यहाँ की वादियों को एंजॉय कीजिए। यहाँ के सब पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ का क्लाइमेट भी मस्त है, और यहाँ के जंगल जो रास्ते हैं ना पॉइंट कवर करने के, वो रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। और यहाँ की मार्केट भी अभी मस्त लगी है। माथेरान में आपको वेज होटल भी इजीली मिल जाएगी। हमने मार्केट से ली चिक्की। तो हमारा सब पॉइंट कवर हो गया है, अभी हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं, राइस और सैंडविच। नेक्स्ट डे डे 2 माथेरान मस्त लाइगो, लीली झाड़ी, ठंडक हवा, बधु मस्त लाइगो। पछी गया था अपना जैन देरासर महावीर धाम, महावीर धाम पछी गया था श्री राम भगवान हनुमान जी बधा त्यां, मजा आवी गई। अमे फर्या बधा पॉइंट जोया अने बहु ज एन्जॉय करी अने चालता गया। यहाँ कई साधन तो हजी चालू थया नथी, घोड़ा थी जवाय, पण अमे पगपाळ चालता गया। अहींनું વાતાવરણ એટલું મસ્ત છે કે એમ મજા આવે, એમ થાય એન્જોય કરવાની બહુ મજા આવે। होटल से चेकआउट कर रहे हैं, तो दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और माथेरान है जीरो पोल्यूशन, तो यहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि व्हीकल ही नहीं है, खाली यहाँ पे घोड़े ही रहते हैं। और सब चल के ही कवर किया हम लोग ने। यहाँ पे ना जीरो पोल्यूशन क्यों बोलते, क्योंकि कोई व्हीकल्स नहीं चलता माथेरान में। हाँ। और जो भी पॉइंट कवर करना है या घोड़े से ही करना पड़ता है या तो वॉकिंग। तो अभी बजे है 10, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, पहले नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे घर। तो नाश्ते में हम लोग ने ऑर्डर किया वड़ा पाव और चाय। तो हमारा नाश्ता हो गया है, अभी हम पैदल ही माथेरान से अमन लोज जाएंगे, और अमन लोज से शेयरिंग टैक्सी लेंगे नेरल तक की, फिर नेरल से दादर आएंगे, और दादर से फिर जाएंगे घर। तो आप लोग अमन लोज टॉय ट्रेन में भी जा सकते हो, टॉय ट्रेन का टाइमिंग रहता है, जल्दी से टिकट बुक हो जाती है और टॉय ट्रेन स्लो चलती है, उससे अच्छा हम लोग पैदल ही अमन लोज पहुँच जाएंगे। तो
माथेरान से अमनलोद जाने के लिए हम लोग ये पटरी के रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि ये पटरी का रास्ता है ना इजी है और फटाफट आपको अमनलोद पहुंचा देगा। तो मस्ती करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे अमनलोद। तो अभी हम लोग अमनलोद पहुंच गए हैं, से हम लोग शेयरिंग टैक्सी लेंगे नेरल तक की। अभी हम लोग आ गए हैं अमन लॉज। कितना आधा घंटा चले ना हम लोग? आधा घंटा लगा। हम लोग अभी रेलवे रूट से गए थे। हाँ, वो शॉर्टकट है रेलवे रूट। हाँ, 25-30 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। चलो अभी टैक्सी लेते हैं। तो अमन लॉज से हमने ली टैक्सी नेरल के लिए 100 rupees पर पर्सन। तो माथेरान को बाय बाय और यहाँ पे लिखा है थैंक यू विजिट अगेन। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो एडिटेड बाय आरती।